हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं अगर आप थोड़े से पैसे बढ़ा देंगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दरअसल मैं ना कम पैसों में काम करती नहीं हूँ। जी जी चलो ठीक है ओके ला। हेलो अंबी। हेलो अंबी, तुम्हारी बॉस से कुछ बात हुई वीडियो के हवाले से? हाँ उनका फोन आया था अभी अभी, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग ना हम लोगों से मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। फायदा बैठो सही। धनी क्यों ना मैं हाथों हाथ उनसे पैसे की बात कर लूं? नहीं नहीं अंधी अंधी ये पागलपन मत करना। तुम्हें याद नहीं तुम्हारी मामा ने क्या समझाया था? उन्होंने समझाया था कि ऐन उस वक्त जब इनकी तरफ से तमाम मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाए तुम फैल जाना है, और जब फैल जाओगी तो फिर ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ज्यादा पैसों की डिमांड की तो ये लोग फॉरन डेट शीट तब्दील कर देंगे और हम लोगों को बदल कर किसी और को ले लेंगे। ओए हमारी जगह नहीं तेरी जगह किसी और को ले लेंगे। मुझे तुम बदल नहीं सकते, सिर्फ तुझे बदल सकते हैं वो। हाँ तुम्हें क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि मुझे इसलिए नहीं बदल सकते कि यहाँ के लोगों ने ना मेरे बारे में बड़ी रेपुटेशन बड़ी अच्छी अच्छी फैलाई है। उन्होंने पता क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जन्मी है ना बहुत बड़ी हीरोइन है और इसको बहुत सारे ड्रामे मिल रहे हैं, बहुत सारे कमर्शियल मिल रहे हैं, लेकिन ये बेचारी तो यहाँ चैनल पे कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, तुम कहीं और काम कर नहीं सकती। तुम समझ नहीं रही, देखो तुम्हारे बॉस तुम्हारी टोर नहीं बना रहे हैं जी, बल्कि तुम्हारी लाइन काट रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तुझे कैसे पता? मैं समझाता हूँ। देखो अगर ये खबर मार्केट में फैल गई कि तुम चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हो और उसके अलावा बाहर का कोई काम कर ही नहीं सकती, तो कोई भी दूसरा चैनल तुम्हें अपने ड्रामे की ऑफर कभी नहीं करेगा और इस तरह तुम कभी भी मशहूर हीरोइन नहीं बन सकती। हाँ धनी ये तो तू ठीक कह रहा है। अंबी मैंने ये सब कुछ तुम्हें क्यों समझाया और अभी भी क्यों मशवरे दे रहा हूँ तुम्हें? मुझे क्या पता, मुझे कोई ख्वाब थोड़ी आते हैं जो मुझे पता चल जाएगा कि तू क्या सोच रहा है। मैं बताता हूँ अंबी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देख डैनी मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती और प्यार इसलिए नहीं कर सकती कि तू एक मामूली सा छोटा मोटा इस चैनल पे ना नौकर है नौकर, और मैं ठहरी इस चैनल के मालिक की भांजी, तो प्यार व्यार के ख्याल तो अपने दिल से निकाल दे। हाँ अगर तू कभी कभी मुझे मशवरे दे देगा ना तो वो मैं मान लूंगी, ठीक है? इससे आगे ना सोचना। अरे यार फिर फोन आ गया इसका। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बस मैं अभी आपको फोन करके बताती हूँ। जी जी नहीं नहीं मैंने उनसे बात की थी लेकिन वो समझ नहीं रहे मेरी बात को। पता नहीं कब समझोगी मेरी मोहब्बत को अंधी, लेकिन मेरा दिल कहता एक महीने तुम मेरी मोहब्बत को जरूर समझोगी। शुक्र है निजामी तुम्हारा मुंह तो दिखाई दिया, वरना पहले तो पहले तो क्या इस चोट की वजह से उससे तुम्हारा हुस्न कुछ मात पड़ने लगा है। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कल रात देर से जाने पे बीवी ने डांटा तो नहीं? मैं अपनी बीवी से डरता तो नहीं। कल ये मैंने देख लिया था जब उसका फोन आया था कैसे थर थर कांप रहे थे तुम। डरने की एक्टिंग कर रहा है। मुझे तेरे भाई ने ये तरकीब सिखाई थी। मेरे भाई ने? मेरे कौन से भाई ने तुम्हें कौन सी तरकीब बताई है? ओए मुनाफ़ा से लबरेज मिर्ज़ा ने उसने। मिर्ज़ा ने ही तुम्हें तरकीब बताई है? कौन सी तरकीब बताई? तुझे बताया कि देखो ग्रेट निजामी साहब आप अपनी बीवी यानी कि पहली बीवी के सामने जब भी जाए उसके सामने जाके एक्टिंग करे डरने की। जब आपकी बीवी इस बात पर पक्की हो जाए कि मेरा शौहर मुझसे बहुत डरता है, इस पर मेरा कंट्रोल है, ये इधर उधर नहीं हो सकता, तो फौरन दूसरी शादी कर लो। हाय मिर्ज़ा भाई सो स्वीट, कितनी अच्छी तरकीब बताई है। तो निजामी कब अमल कर रहे हैं उसके मशवरे पे? मैं इस पे अमल जरूर करूंगा लेकिन बहुत सोच विचार के। तुझे पता है ना कि मेरी पहली शादी बहुत बुरा तजर्बा हुआ है, लिहाजा आप जो दूसरी शादी करूंगा मैं देखूंगा लंबी हो खूबसूरत हो बिल्कुल मेरी जैसे, हम दोनों कहीं जाएं लोग बोले हंसों का जोड़ा आ रहा है, हम पे हंसे ना।
और दूसरी बीवी जो मेरा बहुत ख्याल रखती हो, सुबह दोपहर शाम मेरे आगे पीछे फिरती और मुझसे बहुत मोहब्बत करती। मैं भी ये चाहती हूँ कि मुझे कोई चाहे, मैं भी किसी को इतनी शिद्दत से चाहूं, उसका ख्याल रखूं, अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊं और मरते वक्त सारी जायदाद मेरे नाम चल जाए, इसलिए कि उसके मरने के बाद मुझे दूसरा शौहर तलाशी ना करना पड़े। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यही सोच रही सच में कि वो मरने के बाद भी मुझे इतना चाहे, क्योंकि उसकी जायदाद मेरे पास होगी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मरने के बाद मुझे दूसरा शौहर तलाश करने की जरूरत ही ना पड़े। वो जामिन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी। अच्छा चलो ऐसे करो कि तुम जाके अपने कमरे में चाय पियो, मैं जब तक थोड़ा सा मोहब्बत के बारे में सोच लो। टेडी बियर, तू सोच रही है कि मरने के बाद सारी ज्यादा तेरे नाम लिखू, मेरे नाम कुछ होगा तो मैं तेरे नाम लिखूंगा। हेलो मैडम। हाँ जासूस, क्या खबर है? खबरें बहुत अच्छी, जब से आपने निजामी साहब कुट लगाई ना, उन्होंने तो औरतों की तरफ देखने तक छोड़ दिए। मतलब ऐ होया कि नीले च दो चार वाली कुट ला देनी चाहिए ताकि माहौल भी चंगा रहे ते बंदा भी सही हो जाए, है ना? बेचारा निजामी। नहीं 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 डैनी, इसके साथ ज्यादा हरामखोरी नहीं करनी चाहिए। और नहीं 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 मैडम, अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो हो नहीं सकता कि निजामी साहब ऑफिस में है और किसी औरत से बात ही ना करें, वरना ये औरतें तो चैनल को बेच के खा जाएंगी। हाँ डैनी, ऐसे मैं सोची ही नहीं सी, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है ना, तू नजर जरूर रखी, जैसे गड़बड़ तके ना फौरन मैंने एक फोन मार दे, ठीक है? अरे मैडम आप फिक्र ना करें, देखें आप समझे कि वहां डैनी नहीं बल्कि आप खुद मौजूद है। हाँ डैनी, तू बड़ा ही वफादार नौकर है, बस जदो ही गड़बड़ तके ना फौरन एक फोन मार दिया कर। शाबाश। थैंक यू मैडम, गुड बाय, नेक्स्ट खबर के लिए तैयार रहेगा, बाय। अच्छा वफादार नौकर, नसीबा को मुझसे दूर कर दिया और कह रही कि अच्छा वफादार नौकर है। अब देखना बढ़िया, अगर मैंने निजामी की दूसरी शादी मैडम नुकसाना से नहीं कराई तो मेरा नाम भी डैनी नहीं, डैनी द बॉय। जी बस मैं एक मीटिंग से फाइनल बोल रहा था, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके थैंक यू। आओ शानिया। किधर? निजामी साहब के पास तुम्हारी सैलरी की बात करने के लिए। वाओ सैलरी कितनी मिलेगी? क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? वेल आई हैव नो आइडिया अबाउट द पे स्केल्स ओवर हियर, बट आई वाज थिंकिंग कि चलो 70-80,000 से मिल जाए, इट्स गोना बी ओके फॉर मी। वाह, मेरा ख्याल है कि तुम निजामी से बात ना करना इस बारे में। क्यों? पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन निजामी अगर तुमसे बात करे सैलरी के बारे में तो कह देना कि मैंने शाहरुख साहब को बता दिया। क्या आइए प्लीज। ए सानिया, तुझे मेरे चैनल पे पहला शो करने की मोबाइल को। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। निजामी साहब आपने शो देखा था? नहीं, उस वक्त मैं बहुत अहम और जरूरी मीटिंग में था रुखसाना जी के साथ। मैंने चैनल के मुनाज मुझे पूछा, उन्होंने कहा जी शो बहुत अच्छा है, लड़की बड़ा अच्छा कंडक्ट करी है। मैंने उबैद से पूछा, उबैद कहता है कि सर जी आप परेशान ना हो, फौरन से बेशतर मैं शो की मार्केटिंग शुरू कर दूंगा, 400 चल जाए तो। निजामी साहब मार्केटिंग भी होती रहेगी, अब फिलहाल करते हम काम की बात। अब ये तय कर लें कि शानिया को सैलरी कितनी देनी है। शाहरुख मिर्जा,
वैसे तो तेरा मुंह मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, पर तेरा मुंह मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लोगों को भी मेरा मुंह बहुत बुरा लगता है जब मैं उनको डांटता हूँ, उनसे घंटो घंटो काम कराता हूँ, हफ्ते हफ्ते उनसे रिसर्च करवाता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी देर पहले आपको मेरा मुंह बुरा लगना शुरू हो जाए, लेकिन उनकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। सानिया 50,000 दिए थे। नहीं सर, एक्चुअली मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज ऑलरेडी शाहरुख कह रहे हैं कि वही बात करेंगे। देखिए निजामी साहब, बात यह है कि मैं आपका वफादार मुलाजिम हूँ, आपका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। 50,000 रुपए जो है ना ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि शी इज अ न्यू कमर। शाहरुख भैया, आज तेरा मुंह मुझे बड़ा अच्छा लगे। 40,000। अभी मेरा मुंह आपको और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा और कम कर ले। अच्छा, 30,000 दिए, थोड़ा और कम कर ले। ये शाहरुख मिल गया, इस वक्त तो तेरा मुंह मुझे रुखसाना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। कहीं मैं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में शाहरुख। एक्चुअली देखो, खुदा के लिए अभी कोई इतना नहीं करना है, प्लीज 20,000 दिए। डन, यानी कि 4 प्रोग्राम महीने के तो 4 चुके 16, 16 के हिसाब से बनते हैं 3,20,000, तो राउंड फिगर कर लेते 3,00,000 रुपए। अरे निजामी साहब, 2 दफा नहीं सिर्फ 1 दफा महाना 3,00,000 रुपए देने हैं। मैनेजर को फोन करें, कांटेक्ट बनवाए ताकि शानिया शाम को दूसरा का प्रोग्राम कर सके। ये फारूक मिल गया, इस वक्त मुझे तेरा मुंह बहुत बुरा लग रहा है। डैनी, ओ डैनी, तू ये चाले के किधर जा रहा है? निजामी साहब के कमरे में। क्यों? ओए होए, बॉस के कमरे में वो क्लाइंट बैठे हुए, और वही क्लाइंट जिन्होंने तुझे और मुझे अपने वीडियो में लेना है ना, अगर उन्होंने तुझे ले जाते हुए देख लिया ना, तो बस फिर तू हीरो से बन गया जीरो, फिर मुझसे मत कहना। हाँ नहीं भी, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाके ना जल्दी से कुछ अच्छा सा ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, चेंज करने की लोड़ नहीं है, तुम एक काम करो कि उनसे कह देना कि तुम कोई चपरासी पड़ासी का रोल कर रहे हो, बस ये चाय यहाँ रख दो, तुम जाके मिल लेते हैं। बड़ी होशियार हो गई हो। अब बातें नहीं करो, जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं करना। ठीक ठीक लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छे लग रहे हो, उससे ज्यादा अच्छे लग भी नहीं सकते हो। चलो अच्छा, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ बातें नहीं करना। चुप रहना, मुझे मैं खुद ही बता दूंगी। शाहरुख सीरियसली, मतलब तुम तो ना, मैं कहती हूँ मैजिक है ना तुम्हारी तो बातों में। कितनी अच्छी तरह से तुमने उनको डील कर लिया, मुझे इतने ढेर सारे पैसे दिलवा दिए, मैं तो बिलीव में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मार्केट रेट्स का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात कि निजामी जैसे शख्स से बार्गेनिंग करना इट्स इम्पॉसिबल। बट आई वुड से वन थिंग, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आई हैड नो आईडिया अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस फील्ड के किस तरह क्या करते हैं। तुमने मुझे गाइड आउट किया, मुझे बताया, और फिर इनसे बार्गेनिंग की, मुझे इतना अच्छा बजट दिलवाया। द क्रेडिट गोज टू यू कम्प्लीटली, एंड आई हैव टू से थैंक्स टू यू। मेंशन नॉट, प्लेयर इज ऑल माइन। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि तुम आज से अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से भरपूर तरीके से जियोगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए, कॉफी पीते हैं। श्योर। दो कॉफी पी, बड़ी बड़ी अच्छी सी। हाँ, स्नैक्स वगैरह भी कर दे साथ। थैंक यू। सो हियर यू आर। तो आजम साहब, ये था हमारे चैनल का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट्स अभी आपने देखे हैं, उनमें से सबसे अच्छा और बेहतरीन डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है। आजम साहब, ये है असद और ये है अफशीन। तो वेल, फिलहाल जितने डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन दोनों का प्रोफाइल इन सब में सबसे बेहतर है, और सारे चैनल के प्रोग्राम्स का जो लोड है वो भी इन्हीं दोनों के कंधों पर है। और मैं खुद भी पर्सनली ये चाहूंगा कि आपकी वीडियो जो है वो
यही दो बेहतरीन और क्रिएटिव डायरेक्टर्स करें। मेरे ख्याल में आने वाले किसी दिन के अंदर इन दो डायरेक्टर्स को लेके आपकी वीडियो शूट करते हैं। जी हाशिम साहब, उबैद साहब ने काफी गायबाना जिक्र किया हुआ है आपका, इसीलिए हम लोग मजबूर हो गए कि आपकी वीडियो बनानी ही बनानी है, वरना सूरत हाल तो कुछ ऐसी है कि लाखों रुपए लेके लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम के काम कर दें, मगर टाइम ही नहीं है, मसरूफ इतने हैं, जाहिर है काम इतना सारा है, क्यों हंसी? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, आपकी वीडियो तो हम इसलिए करने के लिए तैयार हो गए कि आप एक शरीफ आदमी हैं और आपको ऑलरेडी हमारी फील्ड के एक आदमी ने चूना लगा है, बस क्या करें, ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी फील्ड बदनाम है। वैसे मुझे आज खुशी है कि बल्कि यकीन है कि मैं सही जगह पर हूँ, मतलब ये मैं सोचता हूँ, बाकी आप लोगों का शुक्रिया। हेलो हेलो, और ये है नसीबा और ये है डेनी। हमारे चैनल का एक प्रोग्राम है, उसकी बहुत मशहूर होस्ट हैं ये, वैसे आप खुद देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत हैं और इंशाल्लाह आपकी वीडियो में भी यही एज एन एक्टर काम करेंगी। और ये हैं डेनी। दरअसल अभी भी ना ये रिकॉर्डिंग ही कर रहे थे, गरीबों वाला रोल था बेचारे का, लेकिन बॉस का हुक्म था तो इसलिए मैं इनको पकड़ के ले आई हूँ। डेनी चाय तो आज हम हमारे साथ ही पियेंगे ना आप? भाई वैसे आशिम साहब बड़े घमंडी आर्टिस्ट हैं ये। हाँ चाय नहीं पीते हमारे साथ? भाई वक्त जाया नहीं करना चाहते ना मार्केटिंग के लोगों के साथ क्या करूं, डायरेक्टर लोग जान ही नहीं छोड़ते, एक दिन में तीन तीन छूटे निपटाना पड़ती है, अब मैं ही जानता हूँ किस तरह मैं इनको सबको अरेंज करता हूँ, यू नो तो। और चाय तो दूर की बात है, खाने का टाइम नहीं मिलता मुझे, यकीन मानो। सर ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ और ऊपर से मसरूफ लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं तो खुश हैरान हूँ कि इस वीडियो के लिए आप लोग सब तैयार भी हो गए। अरे मेरे ख्याल में आजम साहब आपकी कोई नेकी काम आ गई होगी, जिसकी वजह से इतने क्रिएटिव और जबरदस्त लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ जमा है।